हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। और मैं नहा ली हूँ, अभी नहा के आई हूँ क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए अभी नहा के आई हूँ। जय श्री सीताराम। और पूजा भी नहीं की क्योंकि लेट हो गई थी, और अब ऐसे ही पैर छू ली भगवान जी का। और हस्बैंड जी पूजा उजा करके गए ऑफिस, उनको खाना वाना दे दी मैं। और ये हो रहा है रूम होना है पेंटिंग क्योंकि बहुत ही ख़राब हो गया है। आप देख पा रहे हो कैसे ही ख़राब ख़राब सा हो गया है एकदम से। अभी तो छुड़ाया गया है, अभी दिखाते हैं इधर से भी। अलमीरा नहीं निकाला गया क्योंकि ये नहीं निकल पाता और भारी था। बाकी ये सब छुड़ाए हैं और नहीं छूट रहा है ऊपर से, तो पपड़ी बन के ना बाद में निकलेगा, इसलिए लगाएंगे प्राइमर। शायद प्राइमर लगाएंगे जो मिला रहे हैं, अभी दिखाती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर वो सब लगाने जा रहे हैं। और इन्वर्टर मेरा यहाँ पे पड़ा है ऊपर, यहाँ पे रैक पे थोड़ा सा ही बचाए हैं, बाकी रैक मैंने कटवा दिया है रूम का। यहाँ पे रैक मैंने कटवा के इसको मैंने बंद करवा दिया है। ये यहाँ पे ना एक क्या होता है पहले ज़माने में ना बनता था क्या, दो छत्ती बनता था, दो छत्ती पहले ज़माने नहीं मतलब बनता है, अभी भी बनता है दो छत्ती सामान वामान रखने के लिए। तो ये इधर से बंद करवा के उधर से मैं खुलवा दी हूँ क्योंकि इधर से कोई ज़रूरत नहीं है। इधर रूम से ना बहुत ज़्यादा डस्ट ही आता था और दिक्कत होती थी, तो इसलिए बंद करवा दी हूँ। और ये है रूम की हालत, आप देख पा रहे हो। ये है मेरा बेडरूम, बेडरूम की हालत बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे भैया लोग आए हैं और शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे बेड बेड वगैरह मैं निकाल दी हूँ, घर की हालत एकदम ख़राब हो रखी है। तो यहाँ पर लगे हैं, ये हमारे महाराज जी हैं, ये भी लगे हुए हैं देखो, और फेस नहीं दिख रहा है। सुकून भैया है, गांव के ही हैं भैया, तो सब लोग लगे हुए हैं मेरा रूम अच्छा सा क्लीन सा बनाने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हो कैसे है रूम, हालत कैसे है और कैसा बना के जाएंगे उसको भी मैं दिखाऊंगी आप सबको ब्लॉग में। तो ब्लॉग में आप सब बने रहिएगा। और बंसी जा रहे हैं स्कूल, तो ये पहने हैं ताइक्वांडो वाला ड्रेस। आज ताइक्वांडो का है जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिलता है। और यहाँ पे है ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या इंजेक्शन वगैरह से प्रोजेक्ट बनाए हैं, हमको नहीं पता, पूछ रहे थे, बताया भी था लेकिन मुझे फिसल गया मेरे दिमाग से। और ये गया, इनके पापा छोड़ के आएंगे फिर ये तो अपना कोर्ट जाएंगे। और यहाँ पर हो रही जो पेंटिंग, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये 10 लीटर प्राइमर था जिसको ये लोग लगाएंगे, पहले छुड़ाएंगे, उसके बाद फिर टचअप देंगे जो भी कुट्टी वगैरह का देना होता है। तो ये है, इनको घोल रहे हैं जिसमें 6 लीटर घोल लिए हैं, 4 कहीं सेफ्टी रख दिए हैं। तो ये पहले लगाने से दीवारों में क्या होता है ना, पपड़ी उपड़ी जो बन के निकलती है बाद में, उसको पहले ही निकाल के खुरच देंगे ताकि साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे ही देख पा रहे हैं आप लोग, ये लगाते ही ना ये फूल जा रहा है। आइए आप सबको दिखाते हैं नज़दीक से, इधर देखिए फूला फूला ना दिख रहा है जहाँ जहाँ लगाए हैं। और ऊपर ये भैया लगे हुए हैं सफाई में, ये भी अपना साफ़ सफाई करते हुए और लगाते हुए चल रहे हैं, सब दोनों लगे हैं एकदम तेज़ी से, बहुत तेज़ी तेज़ी काम करते हैं ये लोग, फास्ट फास्ट। तो यहाँ पर ये चढ़े हैं ऊपर और एक लोग नीचे, दोनों लोग अपना लगे हुए हैं। और पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है जब ये सब काम होता है। और मुझे बनाना था आंवले का अचार जो हमने बना के और वीडियो में डाला भी है, पिछली वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ा ही टेस्टी अचार बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा आप लोग मेरे कहने पर एक बार। तो ये बहुत ही टेस्टी सा बना था सचमुच में, और ये खाने का ना स्वाद भी बढ़ा देगा। और उसके बाद फिर मैं बनाई हूँ गन्ने का सिरका, तो इसको भी मैं बनाई हूँ। सिरका जो रखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, थोड़ा तड़का मार देंगे जो ट्विस्ट आ जाएगा उसमें, मतलब मज़ा आ जाएगा खाने के लिए, बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको लहसुन और पंचफोरन, और लहसुन ढेर सारा डालते हैं इसमें, मैंने यहाँ पे थोड़ा ही डाला है, फिर बाद में भी छिलके डाल सकते हैं ऊपर से। और यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी है खड़े खड़े, तो यहाँ ऐसे ही इसको जब सौते हो जाएगा लो फ्लेम पे तो हम इसमें गन्ने का सिरका डाल देंगे और इसको ना पका देंगे अच्छे से, पक जाएगा जब, मतलब एक हिस्सा जल जाएगा, 4 हिस्से में एक हिस्सा जल जाएगा ये जूस इसका,
तो फिर इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और ठंडा करके ना इसको रख देंगे कंटेनर में एयर टाइट, तो वो ना सेफ्टी आराम से दाल वगैरह में डाल के खाओ तो अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम तक चलता भी है। तो इसमें नमक भी डाल देते हैं, नमक भी पड़ता है, तो लास्ट में इसमें नमक डाल दिया हमने 1 से 1.5 चम्मच भर के, जिसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है और खाने के साथ ही ये खाया जाता है और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। गन्ने का सिरका जो होता है इसको एक प्रकार का अम्ल ही होता है, ये अम्ल ही है सिरका, तो विनेगर जो जिसको बोलते हैं वही है, ये गन्ने का विनेगर है और वो है वाइट विनेगर होता है, जो वो वाइट पता नहीं किस चीज़ का होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे रेडी हो गया है और जब ये सब काम होता है ना तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है, पूरे दिन तो काम ही काम रहता है, तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया है क्योंकि कई दिन से हस्बैंड जी इसको बनाने के लिए बोल रहे थे और मैं टाल मटोल कर रही थी, जिसको मैंने आज बना दिया है। और बनाएंगे थोड़ा सा नमकीन, तो नमकीन में मैंने साबूदाना लिया है बड़ा वाला, तो इसको फ्राई कर लिए हैं, मूँगफली दाना फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद चूड़ा जो होता है पोहा उसको भी ऐसे ही भून लिए हैं तड़का मार के लहसुन और मिर्ची का, तो ये टेस्टी सा नमकीन बन के रेडी हो गया है। लास्ट में हमने चाट मसाला और नमक डाल दिया है, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।